बीएमएस एमएस जनरल सर्जरी मतलब शल्या तंत्र के बाद आप 30-35 सर्जरीज परफॉर्म कर सकते हैं। और वो सर्जरीज कौन कौन सी हैं आज मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर सागरिका, एमएस जनरल सर्जरी स्कॉलर। यस, तो देयर आर 30-35 सर्जरीज। कौन कौन सी? सबसे पहले आता है एक्सिलरी ब्रेस्ट एंड पेरी एनल एब्सेस, यू कैन ऑपरेट। डेब्रीमेंट और करेटेज आप कर सकते हैं। स्किन ग्राफ्टिंग डीप वुंड में या फिर थर्ड डिग्री बर्न में आप बिल्कुल करने के लिए अलाउड है। ईयर लोब इम्पेयरमेंट आप कर सकते हैं। लाइपोमा फाइब्रोमा, ये अगर नॉन वाइटल ऑर्गन्स में है तो आप इनको बिल्कुल ऑपरेट कर सकते हैं। इम्पुटेशन और एक्सीजन स्पेशली इन गैंग्रीन आप बिल्कुल कर सकते हैं। वुंड मैनेजमेंट में जो सूचरिंग होती है या फिर लाइगेशन होता है ये आप बिल्कुल कर सकते हैं। रिमूवल ऑफ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक फॉरन बॉडी फ्रॉम नॉन वाइटल ऑर्गन्स आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेप्रोटोमी आप कर सकते हैं। हेमरॉइड्स में आप लाइगेशन छाड़ सूत्र एनल डायलेशन और स्पिंट्रेक्टोमी कर सकते हैं। फिस्टुला में आप फिस्टुलेक्टोमी और छाड़ सूत्र दोनों कर सकते हैं। पाइनोडल साइनस को आप ट्रीट कर सकते हैं। प्रोलैप्स आप ट्रीट कर सकते हैं। यूरेथ्रल डायलेशन और कैथेटर आप डाल सकते हैं। हर्नियोप्लास्टी और हाइड्रोसील, आई रिपीट, हर्नियोप्लास्टी और हाइड्रोसील आप बिल्कुल ऑपरेट कर सकते हैं। लाइगेशन ऑफ हेमजियोमा एंड वेरिकोज वेन आप ट्रीट कर सकते हैं। सिस्टेक्टोमी और लेप्रोटोमी आप ऑपरेट कर सकते हैं। रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी फ्रॉम स्टमक, पहले ये आपको अलाउ नहीं था लेकिन अब ये अलाउ है करना। बाकी प्रोक्टोस्कोपी आप पहले भी करते थे लेकिन वीडियो प्रोक्टोस्कोपी आप अब करने के लिए अलाउ है। अपेंडेक्टोमी और कोलिसिस्टेक्टोमी आप कर सकते हैं। इंट्यूबेशन, एयरवे क्लियर करने के लिए इंट्यूबेशन आप कर सकते हैं। और फ्रैक्चर में प्लास्टर वगैरह आप कर सकते हैं। बाकी कुछ सर्जरीज ईएनटी की हैं, उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।